Good morning and welcome to Morning Desk. आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो खास सिंध से आए हैं। जब भी वहां कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है, सो जा बेटा, नहीं तो साईं आ जाएगा। साईं जब गली से गुजरता है तो लोग थर थर कांपते हैं। तो प्लीज वेलकम कीजिए सावल साईं। चलिए बंदू, तो सर कैसे हैं आप? साईं, मैंने सुना है कि आप लाहौर आए हैं बदमाशी सीखने, ऐसा क्यों? बाबा, बदमाशी ना सीखे तो काम कैसे चलेगा हमारा? क्या सर? बाबा, बदमाशी ना सीखे तो काम कैसे चलो? सर आपकी आवाज को क्या हो? बाबा, यही तो सारा मसला है साईं। साईं, हम डोंट फैमिली से हैं साईं, मगर बता, हमसे डरता नहीं है। सर वो तो आपकी आवाज की वजह से है ना, इस आवाज से कौन डरेगा? बाबा, आवाज का मसला ही कोई नहीं, साईं इशारों से डरा देते हैं, मगर साईं ये जो तमीज है ना, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सर तमीज कैसे हो सकती है? आप एक डॉन फैमिली से, एक बदमाशों की फैमिली में तमीज कैसे? बाबा, यही तो मसला है, खुद बंदा ठोक के आते थे और उसके बाद कहते थे बड़ों से तमीज से बात करो, ये तमीज जो है ना साईं हमारा सारा कारोबार ठप करा रही है। अच्छा सर, कोई नहीं, आप पंजाब आए हैं, हम आपको बदमाशी सिखाएंगे। पंजाब के बदमाश का नाम तो आपने सुना ही होगा, मौला जट, जिसके ऊपर फिल्म भी बनती है। सर सारा साईं यही तो सुन के हम आया है। तो सर अब ये जो नया फिल्म बना रहा है द लेजेंड ऑफ मौला जट, हम देखा, हम सोचा कि अगर फवाद खान जैसे पारा खोड़ों को तुम इतना बड़ा बदमाश बना सकता है तो साई के लिए भी तो कुछ कर दो। सही है, पारा खोड़ो क्या? प्यारा लड़को। सही, सिंधी है? सिंधी है साई, 100% सिंधी है। खड़ो फुटो, खड़ो फुटो। अच्छा साई, आप फिक्र ना करें, मौला जट जो है ना, आप सिर्फ उसके डायलॉग्स कॉपी करें, जिस तरह वो एक्शन करता है ना अपना, आप उसको बस कॉपी करें, आप भी बदमाश बन जाएंगे। सही है, तुम हमको करा लो, जो कराना करा। चले साईं, मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ, एक सीन देता हूँ, मतलब उसको आपने कॉपी करना। अब आपके पास आया एक बंदा, वो भी बदमाश है, आपने उससे निकलवाने पैसे, तो आप कैसे निकलवाते? पैसे निकाल दे साईं। साईं आवाज में जरा भार लाई। पैसे निकाल दे साईं। सर आपकी आवाज और पतली हो रही है, सर भारी आवाज में बोले। साईं पैसे निकाल दे। वे सर ऐसे नहीं, ऐसे बोले। ओए पैसे निकाल, ओए ऐसे सर जरा। आप पैसे निकाल रहे। साईं क्या कर रहे हो आप? साईं ये तो मसला है साईं, हमसे बदमाशी नहीं होती साईं। तो साईं आपका और कोई कारोबार नहीं है जो आप चला सको? साईं बाबा, बाबा साईं कहते हैं खजूरों के कारोबार में घुस जाओ, लेकिन नहीं साईं, डोन का प्रोटोकॉल ही खड़ा होता है साईं। खाड़ो भुटो ना खाई वोटे नहीं आई सनी छोड़े आ रही साईं। चलिए आपने भी क्या बोला? मैंने मतलब साईं, हम अगर खजूर बेचेगा लोग इज्जत नहीं करेगा साईं, हम डोन बनेगा लोग सलाम करेगा, कहेगा साईं साईं सलाम अलैकुम साईं सलाम। चले सर मैं आपकी मदद करता हूँ, इसके लिए ना हमें कैरेक्टर में आना पड़ेगा, एक मिनट। चलेगा। तो सर मौला जट जो था ना, उसका अपना ही कह लें एक स्वैग था, एक ना उसकी दहशत थी। तो आपने क्या करना, सबसे पहले आपने अपने कंधे चौड़े करने हैं, छाती बाहर निकालनी है और बोलना, ओए थानेदारा, ओए थानेदारा। सर जरा भारी आवाज में, जरा रोब से, ओए थानेदारा, ओए थानेदार साईं। चले सर दूसरा डायलॉग करते हैं, ओए मेरी बहन का दुपट्टा वापस कर, ओए साईं मेरी बहन का दुपट्टा वापस कर दे साईं। सर ये बार बार पे साईं मत बोला कीजिए। बाबा साईं नहीं खत्म हो सकता, साईं से साईं नहीं मिटता। सर जरा जोर डालिए अपनी आवाज पे। बाबा कोई खतरनाक वाला बता रहा है बाबा। ओए मेरे गंडा से उत्ते सत नस्ला था खून लिखे है, ओए बाबा मेरे कंडा से सत नस्ला था खून लिखे है साईं। साईं आवाज को भारी करो।
साईं मेरे गुंडा सत सत नसला दा फोन लिखया। सर बहुत काम करना पड़ेगा आपके ऊपर। बाबा करो काम करो बाबा, हमारी दुकान बचा लो। हिम्मत नहीं आती सर, हम लगे रहेंगे। अच्छा सर कैरेक्टर में जिस तरह ना मैंने आपके पैसे लूट लिए और ये मैंने अपना बाल खराब कर दिया। साईं इस तरह कीजिए जैसे मैंने आपके पैसे छीन लिए और आपके बाल खराब कर दिए। साईं बंदूक नकली है। बाबा बाबा असली बंदूक नहीं देता। बाबा कहते ने साईं किसी को मार ना दे कहीं। तो सारा बदमाश कैसे बनेंगे अगर आपके बंदूक भी असली नहीं है। बाबा कहते हैं पहले चलाना तो सीख लो। आपको बंदूक ही नहीं चलानी आती। बाबा हमारे पास गार्ड होते हैं साई, वो सबको गोली मार देते हैं। साई हमको बदमाशी का मौका ही नहीं देते। चले सर आप दिल बर्दाश्त ना हो, मैं आपको मौला देव की कॉपी देता हूँ अपनी यूएसबी में, वो आप घर जाके देखें, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। साई हत मत है, साई हत मत है। सर ये नहीं करना, आप बदमाश। आज की एपिसोड यही खत्म होती है, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। मेहरबानी साईं मेहरबानी।